फ्लिपकार्ट के सेल पेज पर इस बार हमें एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, लोएस्ट प्राइस लॉक पास। तो आज की वीडियो में इसी पास के बारे में बात करने वाले हैं कि ये पास क्या है और किस तरीके से वर्क करता होगा। बाकी अभी फ्लिपकार्ट ने अपनी VIP मेंबरशिप लॉन्च की है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पर कार्ड मिल जाता है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं ये पास हमें किस तरीके से मिलता है और ये किस तरीके से वर्क करेगा। आप जब अपने फ्लिपकार्ट पर जाओगे तो यहाँ पर ही आपको सेल वाले पेज पर ही दिखने के लिए मिल जाएगा कि स्टार्टिंग एट 7 PM, आज 1 अक्टूबर है और शाम को 7 बजे से ये प्राइस एक्टिव होने वाला है, मतलब ये पास एक्टिव होने वाला है। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट के VIP मेंबर हैं, जो कि बहुत ही कम लोगों को ऑप्शन मिल रहा है VIP मेंबरशिप को बाय करने का, तो आपके लिए एक्टिव हो चुकी है 1 अक्टूबर की सुबह से ही। लेकिन अगर हम इस पास पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिक स्मार्टफोन्स पर ये भी पास देखने के लिए मिलते हैं। बाकी जब ये 7 बजे लाइव हो जाएगी सभी प्लस मेंबर्स के लिए, उसके बाद और भी अच्छे से पता पड़ेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ स्मार्टफोन के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर iPhone 14 प्लस का हमें पास देखने के लिए मिल जाता है 1999 का, मतलब 2000 रुपये का हमें ये पास मिलता है। लेकिन ये पास किस तरीके से वर्क करता है और ये पास क्यों लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर, आपको पता होगा। अभी मैं बात भी करूँगा कि इस पास में हमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है। लास्ट ईयर आपको पता होगा कि iPhone 13 का प्राइस 50,000 पर लॉन्च किया गया था, जो सेल प्राइस था, लेकिन बहुत ही कम यूज़र्स उस प्राइस पर iPhone 13 को ग्रैब कर पाए थे। तो उस तरीके की समस्या इस बार ना आए, इसलिए फ्लिपकार्ट ने ये पास लॉन्च किया। लेकिन ये किस तरीके से वर्क करेगा उसके बारे में तो आगे ही देखेंगे, कहीं फिर से दोबारा से आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, हमारे किए कराए ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा बहुत यूज़र्स के साथ हुआ था। तो अगर हम इस पास को बाय कर लेते तो यहाँ पर नीचे काफ़ी सारे टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहली बात, सभी कलर वेरियंट के लिए आपको पास अलग से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जब ये पास लाइव हो जाएगा। मैं इसका पेज आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं कि किस किस स्मार्टफोन पर आपको पास देखने के लिए मिलता है, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहली बात, आपको अलग कलर वेरिएंट के लिए अलग पास बाय करना पड़ेगा। जो आपने रेड कलर के लिए पास बाय किया तो वो सिर्फ रेड कलर पर ही वर्क करेगा। जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए रिजर्व हो जाएगा, मतलब फिर आपको मिलने के 100% चांस हो जाएंगे, इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है और होना भी चाहिए। तो आप 48 घंटे तक उस स्मार्टफोन को ग्रैब कर सकते हैं जिसका आपने पास बाय किया हुआ है। आपको अर्ली एक्सेस मिल जाता है स्मार्टफोन को बाय करने का, और गारंटी जो लोएस्ट प्राइस होगा, जो लॉन्च प्राइस होगा, उस पर ही आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा जिसके लिए भी आप पास बाय करोगे। साथ में जो आप पास के लिए पे कर रहे हो, आपने जैसे यहाँ पर 2000 रुपये लगा दिए हैं, तो वो आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप स्मार्टफोन बाय करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये 2000 रुपये का जो पास बाय किया है ये सिर्फ आपके लिए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इतना आपको डिस्काउंट भी मिलेगा जब आप स्मार्टफोन बाय करोगे। बाकी ये नॉन रिफंड है, मतलब जब आपने एक बार पास बाय कर लिया और बाद में आपका मूड चेंज हो गया कि आपको ये स्मार्टफोन बाय नहीं करना है, तो आपने जितने भी रुपये का पास बाय किया है वो सब आपका खर्चा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सभी स्मार्टफोन्स के लिए आपको अलग अलग पास देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे iPhone 14 प्लस का जो पास है वो 1999 का हमें देखने के लिए मिलता है। Samsung Galaxy S23 का पास हमें 999 का देखने के लिए मिल जाता है। नथिंग टू स्मार्टफोन का पास भी हमें 999 का ही देखने के लिए मिलता है। और अगर जो हम बाकी लास्ट में बात करें तो Pixel 7a का भी पास हमें 999 का देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे पास को बाय करने का भी ऑप्शन आ चुका है और कुछ आउट ऑफ स्टॉक भी अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अभी सिर्फ इन्हीं 4 स्मार्टफोन के जो पास हैं वो अनलॉक किए गए हैं, बाकी फ्यूचर में देखते हैं अगर और भी किसी स्मार्टफोन के पास अनलॉक किए जाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इनमें से किसी स्मार्टफोन को कन्फर्म डिसीजन लेने वाले हैं कि आपको ये स्मार्टफोन बाय करना ही करना है, तभी इस पास को बाय करने की सोचना, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है, नहीं तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। तो होप ये जो पास इस बार लॉन्च किए हैं फ्लिपकार्ट ने, जो लॉक पास लॉन्च किए हैं, इनके बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा किस तरीके से वर्क करते हैं। और 1 अक्टूबर को शाम को 7 बजे से प्लस प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए, सभी के लिए ये जो पेज है अनलॉक हो जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ आप उनसे भी डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सेल से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो तो आपको चैनल पर जल्दी मिलने वाली है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।